मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट आज हम मैथ्स पढ़ेंगे बेटा। मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर नंबर 6 में मल्टीप्लिकेशन में आज हम बेटा मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आपने टेबल याद करी थी, आज हम उन टेबल्स की हेल्प से मल्टीप्लाई सीखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 6A में आपके बॉक्सेस बने हुए हैं और ये जो छोटे बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है। देखिए यहाँ पर एप्पल्स हैं, कितने एप्पल्स हैं, 1, 2, 3। नेक्स्ट बॉक्स में 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, यानी एप्पल्स कितने हैं, 3। बॉक्सेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 3, 4, 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपके फ्लावर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पे बॉक्स में क्या पुट कर देंगे, 5। और बड़े वाले बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 3 बॉक्सेस हैं, इससे 5, 3 15। यहाँ पर देखिए कप हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2 एंड 1, 2। यहाँ पे हमने 2 लिखा और हमारी रिंग्स कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 8। इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज को करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच रिपीटेड एडिशन, 1 इज डन फॉर यू। बेटा यहाँ पे एडिशन रिपीट हुआ है, यानी 4 को जब 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स हम प्लस करेंगे तो 20 होता है, या फिर हम 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा 20 होता है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है हमारा 7 + 7 + 7 = 21। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखेंगे बेटा हम। 7 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 7 है 3 टाइम्स, 7, 3 = 21। क्लियर। नेक्स्ट है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21। और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। देखिए 3 कितनी टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 बेटा हमारा 7 टाइम्स है, 3 7 सा होता है हमारा 21। क्लियर। तो बेटा इसमें हमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना होता है। एक्सरसाइज 6A को कॉपी में कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।